बार फिर अपने प्राणों को संकट में डालने आ गया मूर्ख। रघुनाथ महाराज, सारी तैयारियां हो गई? सारी व्यवस्था सुचारू रूप से हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि महारानी ने अपनी स्त्री सेना को कैसे प्रशिक्षण दिया है। रेडी? Yes! नेल्सन साहब का ऑर्डर है, नो वन वुड बी स्पेयर्ड। हमने तो हमारे सैनिकों को आक्रमण नहीं करने के लिए कहा था, परंतु ये तो प्राण घातक प्रहार कर रहे हैं। अन्य हमारी महारानी। देखा रघुनाथ, इतने कम अवधि में हमारी महारानी ने स्त्री सेना को ऐसा प्रशिक्षण दिया, निहत्ते होते हुए भी उनका जोश और उत्साह वैसे की वैसा। इनसे डरना नहीं, अवसर मिले तो चूकना नहीं।
ना किसी सहायता की विजयी होकर दिखाना शत्रु को मार पकाओ। तुम्हारी गुरु महारानी लक्ष्मीबाई तुम पर गर्व करेगी। चलो उठ, आज बहुत दिनों के बाद एक वीर योद्धा से सामना कर रहे हैं। कौन हो तुम? ऐसे वार तो केवल हमारे ताते गुरु ही करते। ये विद्या तो केवल उन्हीं के पास है। शाबाश तारी सेना। शाबाश। गंगा गुरुजी, क्या मैं महारानी देवी के समकक्ष सीख गई हूँ? इन्हीं के लिए मैं तलवारबाजी सीख रही हूँ। जिस मकसद से मैंने सीखा है उसे मैं अवश्य ही पूरा करूंगी। गंगा! गंगा सदैव आपके साथ रहेगी। झांसी का उत्तराधिकारी इस दुनिया में आएगा। महारानी देवी, ये देखिए, मैंने अपने हाथों से आपके लिए गजरा बनाया है। मेरे होते हुए आपको आंच भी नहीं आएगी। आपसे कहीं भी तुम्हें जाना हो तो हमारी पालकी में ही जाना। हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद। हमारी महारानी कुशल है। नहीं महारानी देवी, वो आपकी पालकी है। तुम तो हमारे लिए रानी जैसी ही हो। महारानी देवी ऐसे
सपने ना दिखाइए। मेरा अनुभव यही कहता है कि टूटे कांच को अपने साथ रखो तो एक ना एक दिन वो कांच घायल जरूर करता है। जब हमारा उत्तराधिकारी हमारे पास है तो इस आडंबर की क्या आवश्यकता है? तेरे हाथों की मेहंदी अभी तक सूखी भी नहीं और तुमसे एक पल में सब कुछ छीना गया। बड़ी आई थी झांसी के बाहर नहीं बने तो इस आडंबर की क्या आवश्यकता है? मेरा अनुभव यही कहता है कि टूटे कांच को अपने साथ रखो तो एक ना एक दिन वो कांच घायल जरूर करता है। तेरे हाथों की मेहंदी अभी तक सूखी भी नहीं और तुमसे एक पल में सब कुछ छीना गया। इसीलिए लिया था तूने हमसे प्रशिक्षण कि तू हमारी ही मनु को ये वही है जिसने तुझ जैसी घृणित कीचड़ को उठाकर अपने समकक्ष बिठा लिया था। हम ही से युद्ध कला सीख कर हमारे ही युद्ध कौशल के सार पर वार करने का दुस्साहस कैसे कर लिया तूने? तात्या ने ही तुझे तलवारबाजी सिखाई थी ना? किंतु तेरे इस घृणित कार्य के कारण विवश होकर आज यही तात्या तेरे ये हाथ काट कर बेच देगा। नहीं तात्या गुरु, इसे हम दंडित करेंगे। इसे हम दंडित करेंगे। परंतु उससे पहले हम इसे ये जानना चाहते कि इसने ऐसा दुस्साहस क्यों किया। हमने तो तुझे अपनी बहन माना था गंगा, और तूने उसकी लाज भी नहीं रखी। बहन नहीं, अपने स्वार्थ के लिए सपने दिखा रही थी, रानी बना रही थी, ताज पहना रही थी, और पल भर में मेरे सपने चकनाचूर करती है। हे देवा, हम नहीं जानते थे कि तुम ऐसे सपने सजा रही हो गंगा। हम तो ये सोच रहे थे कि जिस प्रकार हम बलिदान दे रहे हैं उसी भावना के साथ तुम भी झांसी के हित के लिए ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करने को तैयार हो गई जिसने स्पष्ट रूप से अपनी सारी विफलता तुम्हारे सामने प्रकट करके रख दी। तुम इतना भी नहीं समझ पाई गंगा कि लक्ष्मी बाई को रानी बनने की ना कभी चेष्टा थी ना है। वो तो बस अपनी धरती माँ के लिए, तुम क्या समझोगी? हम ही गलत थे। जीवन में पहली बार किसी को अपना समझा और इतना बड़ा धोखा। अब हम तुझसे नहीं पूछेंगे। जाओ, रानी लक्ष्मीबाई ने तुम्हें माफ किया। महारानी साहिबा, आकाश है, आकाश
पंछी कितना भी उड़े आकाश नहीं छू सकता। हम तुम पे बहुत विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास को कभी तोड़ना मत गंगा। अब से कहीं भी तुम्हें जाना हो तो हमारी पालकी में ही जाना। नहीं महारानी देवी, वो आपकी पालकी है। अब हमारी हर वस्तु में तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि संसार की सारी खुशियाँ वो तुम्हारे झोली में डाल दें। गंगा हमारी छोटी बहन जैसी है, इसलिए उसका कन्यादान भी हम ही करेंगे। यदि आपने गंगा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। आकाश है परंतु हमारी लक्ष्मी का स्थान पंछी कितना भी उड़े, अब हमारी हर वस्तु में तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना गंगा हमारी छोटी बहन जैसी है, उसका कन्यादान भी हम ही करेंगे। परंतु हमारी लक्ष्मी का पंछी कितना भी उड़े, इसलिए हमारी छोटी बहन जैसी। नहीं महारानी देवी, हमें क्षमा ना कीजिए, हमें मार दीजिए। हम जैसी स्त्रियां ऐसी योग्य है, बस किसी ने सत्ता की झलक ऐसे दिखा दी कि आंखें चकाचौंध हो गई। मैं आपको रानी समझने लगी थी और मैं ऐसा डरा दी गई थी कि क्योंकि तुम्हारी अच्छी हमारे पत्नी ग्रह में है। और यदि तुमने ये सब कुछ किसी को बताने की चेष्टा की किसने डरा दिया तुम्हें? बताओ गंगा, किसने डराया तुमको? और यदि तुमने ये सब कुछ किसी को बताने की चेष्टा की तो तुम्हारी अजय किसी भी समय बताओ तुमने क्यों किया? क्यों किया तुमने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात? बताओ गंगा, अन्यथा हम तुम्हें मुझे मार डालिए महारानी देवी, मुझे मार डालिए। सच तो ये है कि मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे मार डालिए महारानी देवी, मार दीजिए मुझे। नहीं गंगा, मैं जीना नहीं चाहती। गंगा, दाइमा को गंगा बोलो, क्या दाइमा को हुआ? क्या हुआ बोलो गंगा, क्या दाइमा? गंगा गंगा बोलो, हाँ बोलो बोलो गंगा बोलो, क्या दाइमा? बोलो ना, बोलो ना।